नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सोना कीचड़ में भी हो तो उसे तुरंत उठा लें। जाने आचार्य चाणक्य की इस बात के पीछे का ये गहरा राज। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य को हर परिस्थिति के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए। जो स्वयं को समय आने पर नहीं बदलते, वो कष्ट और परेशानियों का सामना करते हैं। आज के युग में चाणक्य नीति बहुत ही सटीक बैठती है। चाणक्य नीति के एक श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को जहर से भी अमृत निकाल लेना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार यदि सोना गंदगी में भी पड़ा है तो उसे उठा लेना चाहिए। इसमें तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यदि किसी कमजोर कुल में जन्म लेने वाले से ही सर्वोत्तम ज्ञान मिल सकता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से युक्त है और आप लोगों के लिए कोई सीख देती है तो उसे भी अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि कन्या का विवाह अच्छे खानदान में करना चाहिए। वहीं पुत्र को श्रेष्ठ शिक्षा देनी चाहिए और शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए। वहीं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। वहीं आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि मनुष्य को कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमेशा संयम से काम लेना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वह सफलता प्राप्त करते हैं। इन बातों को जो भी व्यक्ति ध्यान रखता है और इन पर अमल करता है वह जिंदगी भर कष्ट नहीं उठता और उसके सभी काम सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।